हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पिकरा मैथ्स में। मैं फिर से आपके लिए पाइप और टंकी का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें हम जो भी पाइप और टंकी या जो भी चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके लिए आते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत कम समय में आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो आप हमेशा इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग को भी हमारा वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो फिर से हम बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ वीडियो लेकर आए हैं। तो बिना समय या बिना देर किए हुए हम फिर से जो है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट एवं 12 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों को 5 मिनट तक खुला रखते हैं तथा इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट भी इस पे लगेगा, ठीक है। ए बी और सी है ना। हम मानते हैं कि टंकी पाइप जो है ए होगा, बी होगा और कौन होगा, सी होगा। सबका टाइम दिया हुआ है, ए भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, लेकिन सी क्या करने वाला है, खाली करने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए जो है 15 मिनट में भरता है, ठीक है। बी जो है 12 मिनट में भरता है, लेकिन सी 6 मिनट में इसे क्या कर देता है, खाली कर देता है। आगे क्वेश्चन में कहा जाता है कि 5 मिनट तक ए और बी को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। 5 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो कहा जाता है टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षमता निकालेंगे। तो इफिशियंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए 15, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो कि होगा कितना, 60 होगा, ठीक है। 60 इसका क्षमता होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 60 में 15 से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो 60 में 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60 होगा। 12 से भाग करेंगे, 12 पचे 60 होगा। और 6 से भाग करेंगे, 14 60 होगा। अब आपसे क्या कहा गया कि 5 मिनट तक ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है। अच्छा, 5 मिनट तक हम खोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5 मिनट तक हम खोलेंगे, तो 5 मिनट तक ए और बी दोनों अपना अपना क्षमता से भरेगा। और इसका क्षमता कितना है, इसका 4 और बी का कितना है, 5 है। तो 5 4 9 क्षमता से क्या करेगा, भरेगा। तो 9 बचे 45। अब वो खाली टंकी में 45 लीटर क्या हो चुका है, भरा जा चुका है। अब 5 मिनट बाद क्या कहा जा रहा है कि सी को भी खोल दिया जाता है, लेकिन सी क्या करता है, खाली करता है। ए और बी जो है 9 लीटर भरता है, लेकिन सी अकेले 10 लीटर खाली कर देता है। मतलब ये है कि अब टंकी भरने के बजाय खाली हो रहा है। क्यों खाली हो रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर जो है 9 लीटर भरता है, और ये जो है सी अकेले 10 लीटर खाली करता है। मतलब खाली करने का क्षमता क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है। जैसे हम 45 में एक से भाग करेंगे तो क्या होगा, 45 ही होगा। मतलब ये है कि 45 मिनट में टंकी क्या होगा, भरा हुआ टंकी जो कि ए और बी मिलकर 45 लीटर भरा था, वो क्या हो जाएगा, अब खाली हो जाएगा। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। एक हौज में दो नल लगे हैं जो उसे क्रमशः 20 मिनट एवं 30 मिनट में भरते हैं। एक निकासी नल भरी हौज को 10 मिनट में खाली करता है। यदि हौज एक तिहाई भरी हो और तीनों नल एक साथ खोल दे, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी और सी है, ठीक है। ए है, बी है और कौन है, सी है। फिर से यहाँ जो है ए भरने का काम करता है, बी भी भरने का काम करता है, लेकिन सी खाली करने का काम करता है। इसका टाइम हम देख ले तो ये 20 मिनट में भरता है, ठीक है। ये 30 मिनट में भरता है, लेकिन ये 10 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षमता निकाल लेंगे। तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, जो कि तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। 60 लीटर का क्या होगा, कैपेसिटी होगा। ध्यान से देखिएगा, ए का क्षमता निकालने के लिए 60 में हम 20 से भाग देंगे, तो 20 30 60 होगा अनुपात। बी का क्षमता निकालने के लिए हम 60 में 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60, ठीक है। और सी का क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में 10 से भाग देंगे, तो 14 60। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया
कि टंकी जो है एक तिहाई भाग भरा हुआ है, तो 60 लीटर उसका कुल कैपेसिटी है और एक तिहाई भाग भरा हुआ मतलब ये है कि 20 लीटर क्या उसमें भरा हुआ है। अब 20 लीटर भरा हुआ है पहले से ऑलरेडी, ठीक है, तो 20 लीटर हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अब क्या किया गया, तीनों को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, जिसमें ए और बी अपना अपना क्षमता से भरता है लेकिन सी क्या करता है, खाली करता है। तो ए और बी दोनों जो है 3 और 2 5 लीटर भरता है लेकिन सी क्या करता है, खाली करता है, ठीक है, तो सी खाली करता है 6 लीटर। ये दोनों मिलके 5 लीटर भरा लेकिन ये 6 लीटर खाली किया, मतलब ये है कि 1 लीटर ज़्यादा खाली हो रहा है, तो एक से क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि सी का क्षमता कितना है, 1 है। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हमारा लगेगा 20 मिनट आंसर होगा, ठीक है। मतलब ये है कि अब जो है एक तिहाई भाग जो टंकी भरा हुआ है उसको खाली करने में 20 मिनट का टाइम लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक टंकी की तली में बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी को 12 घंटे में खाली हो जाता है, तो टंकी का आयतन क्या है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ए जो है ना वो खाली करने वाला है लेकिन एक बी जो है भरने वाला, जो कि भरता कैसे है, 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों खोल दिया जाता है, ठीक है, तो भी टंकी क्या होता है, खाली ही होता है। ध्यान से देखिएगा टाइम कितना लेता है, तो टाइम जो है ए लेता है टंकी खाली करने में 8 घंटा, ठीक है, और बी जो है टंकी खाली करने में लेता है 12 घंटा। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जो है इसका हमको क्षमता निकालना है, ठीक है, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका हम दोनों को उल्टा कर देंगे, ठीक है, ये 12 हो जाएगा और ये कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये 4 से कटने वाला है, 4 से 4 3 12 और 4 दूना 8। ध्यान से देखेंगे अब क्या करना है, 8 3 24 लीटर क्या करना है, भरना है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 24 जो है इसका ऐसे रियल कैपेसिटी 24 नहीं है, ठीक है। अब हमको ध्यान में ये देखना है, ठीक है, कि 3 लीटर अकेले ये खाली करता है लेकिन ये बी के वजह से 2 लीटर ही खाली कर पाता है, मतलब बी का क्षमता कितना होगा, 1 होगा। ध्यान से देखेंगे, मतलब ये है कि खाली भरने में इसको कितना लगेगा, 24 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है, तो 24 घंटे का टाइम लगेगा लेकिन ये भरता कैसे है, तो 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, ठीक है, 1 मिनट में, तो ये 24 घंटा है, तो सबसे पहले इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, ठीक है, और मिनट में जैसे ही चेंज करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये 24 घंटा था, इसको मिनट में चेंज कर लिए। और आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, तो इतना मिनट में तो और ज़्यादा भरेगा, गुना कर लेंगे, ठीक है। अब हम गुना जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो गुना करने पर आंसर जो आएगा वह कितना आएगा, 8640 लीटर आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि इसका जो कैपेसिटी है, उस टंकी का जो आयतन है वो कितना है, तो 8640 लीटर उसका आयतन। आइए मेरे प्यारा दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है जबकि बी इसे 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। हौज की क्षमता कितनी है, यह अभी क्षमता निकाला जा रहा है, क्षमता पूछा जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ए जो है 20 मिनट में भरता है, ये जो है इसको 20 मिनट में भरता है, ठीक है, ये जो है टाइम लेता है भरने के लिए कितना, 20 मिनट, और ये भरने का काम करता है। लेकिन कहा जा रहा है कि बी जो है ना वो प्रति लीटर है ना 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली करता है, और जब एक साथ ए और बी दोनों है, ठीक है, ए और बी दोनों है, ठीक है, तो ये कितना देर में भरता है, तो ये 100 मिनट में भरता है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ये भरता है और ये क्या करता है, खाली करता है। अब हम क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए हम 20 और 100 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ तो उल्टा कर देंगे, तो कितना होगा, 100:20, ठीक है, आप एलसीएम लेके ही बना सकते हैं, वही आएगा, ठीक है, तो यहाँ 20 से कटेगा, 20 25 100, और यहाँ पर 20 से कम 20। अब आप देख रहे हैं
कि ए का जो कैपेसिटी है वो भरने का कितना है, 5 है, लेकिन बी के वजह से एक ही लीटर भर पाता है। मतलब क्या है कि ए का तो 5 ही है, बी का 4 होगा, तब तो एक ही लीटर भर पाता है ना। चलिए टोटल कैपेसिटी कितना है, तो 20, 25, 100 या 100 कम 100, ठीक है 100 लीटर है, ठीक है, जिसमें बी जो है खाली करता है, 4 क्षमता है उसका खाली करने का, तो कितना होगा 25 से 100। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 सेकेंड में 5 लीटर खाली करता है, ठीक है 1 सेकेंड में 5 लीटर खाली करता है, जो कि ये क्या है 25 मिनट है। इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो 60 से हम गुना करेंगे। अब जो इतना सेकेंड हो गया, और जब 1 सेकेंड में 5 लीटर खाली करता है तो इतना सेकेंड में 5 लीटर से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब जब सबको हम गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25 से 75 यानी कि 6 × 35 = 300 यानी 7500 आंसर हो गया, ठीक है। कितना होगा, 7500 लीटर क्या होगा इसका आंसर हो गया। मतलब ये है कि इस टंकी का जो कैपेसिटी है, टंकी का जो आयतन है वो कितना है, 7500 लीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पाइप और टंकी का आखिरी पार्ट था। तो इसमें हम बहुत सारे जो क्वेश्चन उसको डिस्कस किए, बहुत ही बढ़िया लेवल का कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज़ किए हैं। तो और भी आगे वीडियो जो है बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लाएंगे, है ना, जो कि मेरा कोशिश होगा कि फॉर्मूले का यूज़ कम किया जाए, है ना, अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक के बाद हम आप लोग के लिए एडवांस मैथ का भी वीडियो लाएंगे, नंबर सिस्टम का भी वीडियो आएगा। तो इस तरीके से जो आपका पूरा मैथ्स का पूरा वीडियो, हमारा कोशिश होगा कि आपका जो दिसंबर एग्ज़ाम है उससे पहले हम कंप्लीट करा दें। तो हमारा इस चैनल को जितना अधिक हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।